सी पर हो रही ट्रेनिंग एफएलएम की ट्रेनिंग में फर्स्ट डे प्री असेसमेंट टेस्ट होता है और लास्ट डे पास्ट असेसमेंट टेस्ट होता है। तो पास्ट असेसमेंट टेस्ट के बारे में जानते हैं, कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सभी शिक्षक साथियों का सरकारी स्कूल टैलेंट में स्वागत है। किसी भी शिक्षक साथी को कोई दिक्कत ना हो, जिसके लिए सभी क्वेश्चनों के आंसर आप लोगों को बता रहे हैं। और सबसे आसान तरीके से बीआरसी ग्रुप में एक लिंक दी जाएगी, उस लिंक पर क्लिक करने के बाद में इस तरीके का पेज खुल जाएगा, शिक्षक प्रशिक्षण पोस्ट ट्रेनिंग असेसमेंट एंड फीडबैक। तो इसके बाद में जब भी नेक्स्ट आगे करेंगे तो नाम वगैरह भरा जाएगा, उसके बाद में फर्स्ट क्वेश्चन आएगा दैनिक रेमेडियल शिक्षण प्रक्रिया के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर है वो कक्षा के सभी बच्चों के साथ रेमेडियल कार्य किया जाता है। सेकंड क्वेश्चन है, अकादमिक रणनीति के अंतर्गत दिए गए विभिन्न प्रकार के ट्रैकर से संबंधित नीचे दिए गए कथनों में से सही कथनों का चयन करो, मतलब कौन कौन से कथन सही हैं। तो इसके आंसर है लास्ट वाला, केवल कथन 1, 3 और 4 सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा कक्षीय प्रक्रिया के बेहतर संचालन में कौन सी प्रक्रिया मददगार नहीं होती है। तो इसका जो राइट आंसर है वो पठन के दौरान बच्चों का सामूहिक रूप में पीछे दोहराना। वीडियो पसंद आ रही तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें, जिससे कि आने वाली लेटेस्ट अपडेट आप लोगों को पता चलती रहेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षक संदर्शिका से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर है वो शिक्षण प्रक्रिया की समीक्षा केवल दिवस 5 और 6 के शिक्षण योजनाओं में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिम्मेदारियों का क्रमिक हस्तांतरण GRR का सही क्रम क्या है। तो इसका जो सही क्रम होता है कि मैं करूं, हम करें, आप करें और आप स्वयं करें, ये अभी से बढ़ाए, इस साल से आप करें बढ़ गया है। प्रतिक्रियात्मक प्रभाव का कार्य कब किया जाना चाहिए। तो ये सप्ताह के सभी दिवस दिनांक दिवस 1 से 6 दिवस तक किया जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, साप्ताहिक आकलन ट्रैकर में प्रति सप्ताह कितने शिक्षण उद्देश्यों को भरा जाना है। तो इसमें प्रति सप्ताह 3 को भरा जाना है। अनुदेशात्मक दिवसों दिवस 1 से 3 के तीसरे कालांश में कार्य करने की रणनीति क्या है। तो गणित खेल पर कार्य करने के बाद चिन्हित बच्चों के साथ रेमेडियल कार्य करना। हिंदी विषय तथा कक्षा 4, 5, 15 वित्तात्मक एवं उपचारात्मक दिवस वार विभाजन कितने दिनों का किया जाना चाहिए। तो ये 42 दिनों का कक्षा 4-5 में गणित, तो कक्षा 4-5 में गणित शिक्षण के दौरान संपूर्ण पाठ की पुनरावृत्ति कब की जानी चाहिए। तो ये पाठ के अंत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर्स ऑफ ए टेक्स्ट बुक फॉर द फाउंडेशनल स्टेज। तो इसका राइट आंसर है, द कंटेंट ऑफ ए टेक्स्ट बुक मस्ट बी बियॉन्ड द कॉग्निटिव डोमेन ऑफ द, इसका 4th आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द लैंग्वेज स्किल। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका सेकंड वाला, LSRW। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द इनकॉरिएट लर्निंग आउटकम एट द फाउंडेशन स्टेज। इसका जो राइट आंसर है वो थर्ड वाला, द लर्नर्स एप्रिशिएट द पोएम सिटी कली। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, चूज द प्रोडक्टिव स्किल फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। तो इसका जो राइट आंसर है वो स्पीकिंग एंड राइटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मासिक शिक्षक संकुल बैठक का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो इसका जो राइट आंसर है वो उपरोक्त सभी है। इस तरीके से लास्ट में सबमिट का बटन आएगा, सबमिट कर देंगे तो पूरा का रिकॉर्डेड सबमिट आ जाएगा। तो इस तरीके से आप आसानी से क्वेश्चन कर सकते हैं। थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।